all of you on VPlus Academy. My name is Ashish Garg and today we are going to start our third lecture on the concrete and its previous year question. हमने last two lectures में previous year questions concrete के कुछ देखे हैं. First जो part था उसके अंदर हमने देखे थे questions from the stages of production of concrete and the second part में हमने देखे workability से and related water cement ratio से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आईएएस एग्जामिनेशन में. सिमिलरली आज हम देखेंगे क्वेश्चंस मेनली फ्रॉम दी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट मिक्स डिजाइन एंड द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सॉरी एंड द एडमिक्सचर्स ऑफ कंक्रीट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक दैट इज कंक्रीट मिक्स डिजाइन. कंक्रीट मिक्स डिजाइन बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन है यहां से आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन के. बट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी कंक्रीट मिक्स डिजाइन. यदि आपको किसी कंक्रीट जो आपको कंक्रीट बनानी है तो उसके आप कुछ स्टेप्स लेते हैं. जैसे आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए अराउंड से 200 MPa. आपको स्ट्रेंथ चाहिए 200 MPa तो आप उसके लिए क्या एग्रीगेट यूज करेंगे, क्या वाटर सीमेंट रेशियो यूज करेंगे या फिर कौन सा एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट की शेप क्या होगी, तो वो सब हम डिजाइन करते हैं. और वो डिजाइनिंग कहाँ से मिलती है हमें, हाईएस्ट कोड की हेल्प से. हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द मेन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विच इज गिवन बाई FCK प्लस 1.65 सिग्मा. दिस इज डिटरमाइंड, ये आपकी निकाली जाती है मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. आपने जैसे ही कैलकुलेट कर ली तो वहां से फ्रॉम द चार्ट ऑफ आईएस कोड, यूजुअली जो पहले कोड था वो पुराना कोड था, उसके बाद जो अपडेट हुआ है हम 2009 का कोड यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चार्ट गिवन है जिसके हेल्प से आप जैसे ही आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलेगी, क्यूब स्ट्रेंथ या मीन स्ट्रेंथ, उसकी हेल्प से आप वॉटर सीमेंट रेशो चार्ट से देख पाएंगे. यू कैन सी वॉटर सीमेंट रेशो. सो आवर सेकेंड स्टेप इन द मिक्स डिजाइन इज टू फाइंड वॉटर सीमेंट रेशो. थर्ड वन इज टू फाइंड आउट द वॉटर कंटेंट, हाउ मच वॉटर कंटेंट नीड टू बी एडेड, से 0.5 और से 0.4. सो वॉट इज दिस, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वेट दैट इज बींग प्रोवाइडेड ऑफ होल ऑफ द कंक्रीट. So we are able to calculate the water content. Then we have to find the cement content. Cement content, how much cement content is required corresponding to this strength. Then we go for our aggregate strength or your aggregate size, shape, size and shapes of aggregate. आपको वो determine करना होता है, तो aggregate content, आप इसको aggregate content भी बोल सकते हो. तो ये कुछ स्टेप्स हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा मुझे इतनी स्ट्रेंथ चाहिए से एज वी ऑलरेडी कंसीडर्ड एग्जांपल 200 MPa, तो आपके चार्ट के कोरस्पोंडिंग आप देखोगे वॉटर सीमेंट रेशो एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो उसके कोरस्पोंडिंग आप वॉटर सीमेंट रेशो देख पाओगे. जैसे ही वॉटर सीमेंट रेशो मिल जाएगी आपको, आप वॉटर कंटेंट निकाल पाओगे फ्रॉम दी अगेन चार्ट. From again chart, similarly cement content, and then we have our aggregate content. So these are some steps. तो concrete mix design में जो question एक और पूछा गया है, यदि हम concrete mix design करते हैं, we can go for 3 days design mix also. हम 3 दिन का design mix भी use कर सकते हैं, but usually this mix design takes around 28 days. तो ये 28 days में cover होता है. लेकिन इसको एक्सिलरेट करके 3 डेज में भी कवर किया जा सकता है बाई एक्सिलरेटेड मेथड ऑफ क्योरिंग एंड दी अदर टेक्निक्स. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं फ्रॉम हेयर फ्रॉम कंक्रीट मिक्स डिजाइन. अब बात करते हैं अपनी सेकंड टॉपिक की विच इज रिलेटेड टू द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. ड्यूरेबिलिटी से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट यदि आप ड्यूरेबिलिटी की बात करो तो एज द नेम सजेस्ट कि लाइफ स्पेन क्या है उस कंक्रीट का, तो
हाउ डू वी डिसाइड द ड्यूरेबिलिटी? वी हैव टू हैव सर्टेन चेक, जैसे हमने ये देखा इनके ऊपर कुछ चेक्स होते हैं जिसके हाथ से हम ड्यूरेबिलिटी डिसाइड करते हैं। और कुछ यदि आपके जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स या फिर कोई मैग्नीशियम सल्फेट या कोई एल्कलीज या फिर सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, उस केस में आपका जो ड्यूरेबल जो कंक्रीट है वो स्वेल कर जाता है या डिसरप्शन हो सकता है, तो वो केसेस हमको कंसिडर करने होते हैं। सो ड्यूरेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो को ध्यान में रखते हैं कि इट्स वैल्यू शुड नॉट बी हाई। तो वाटर सीमेंट रेशियो पे चेक होता है, फिर ध्यान वी हैव सीमेंट कंटेंट। इफ यू इंक्रीज द सीमेंट कंटेंट योर कंक्रीट विल बी मोर ड्यूरेबल। तो आपका एक चेक सीमेंट कंटेंट के भी ऊपर हम रखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको ये पैरामीटर्स कंसिडर करने हैं। और जो हम इसमें ड्यूरेबिलिटी में बात करें तो ये परमिएबिलिटी से भी रिलेटेड आपका, क्योंकि हायर द ड्यूरेबिलिटी लोअर विल बी द परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ऑब्वियस रीजन है, यदि ड्यूरेबिलिटी हाई है तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, कम होगा। वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो परमिएबिलिटी आपकी ज्यादा मिलेगी, परमिएबिलिटी आपकी कम मिलेगी, सॉरी परमिएबिलिटी आपको कम मिलेगी। सो मोर ड्यूरेबल कंक्रीट विल गिव्स यू लेस परमिएबल कंक्रीट इन इन डायरेक्ट मैनर। अब जो यदि ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जैसे हम कुछ एडमिक्सचर्स कह सकते हो आप, जैसे हम शुगर ऐड करते हैं कंक्रीट के अंदर, तो ये क्वेश्चन है कि यदि इफ यू ऐड शुगर और एनी टार्ट्रिक एसिड बेस्ड सॉल्यूशन तो व्हाट विल हैपन ऑन द कंक्रीट, उस केस में आपका जो कंक्रीट की जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है। बट हमसे को जो ड्यूरेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको Na2O एंड K2O सोडियम ऑक्साइड एंड द पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड द पोटेशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में यदि कंक्रीट के अंदर प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट कंक्रीट के ऊपर क्या होता है। एक्चुअली इसका इफेक्ट कंक्रीट के ऊपर थ्री इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ये क्या करता है, डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट करता है, ये कंक्रीट के ब्रेक कर देगा और क्या कर सकता है, एक्सपेंशन इन कंक्रीट करवाता है और ये ओवरऑल डिसरप्ट करता है। तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए डिसरप्शन का मीनिंग भी वही था, एक्सपेंशन का भी मीनिंग वही था, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ तीन सिमिलर वर्ड्स यूज करेगा जिसके हद से आपको बताना है कि वी Na2O एंड K2O causes concrete, in concrete it causes either expansive reaction or it may disrupt the concrete. So ये कुछ points हैं जो आपको याद रखने हैं from durability point of view. अब बात करते हैं हम अपने next topic से जिससे बहुत question पूछे जाते हैं, that one is our defects of concrete. Defects से जैसे आपके पास जो हम main defect देखते हैं वो है अपना जैसे एफ्लोरोसेंस है, एफ्लोरोसेंस ऑफ कंक्रीट, देन वी सी सेग्रीगेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ कंक्रीट। बट टू कवर द एज अ होल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन आईएएस एग्जाम, वी स्टार्ट विद आवर क्रेजिंग ऑफ कंक्रीट्स। इफेक्ट्स में आपको मिलता है क्रेजिंग। क्रेजिंग क्या होता है, क्रेजिंग होता है क्रैक्स इन द वॉल्स ऑफ कंक्रीट। यदि कंक्रीट की कोई स्ट्रक्चर है यदि उसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उस केस में जो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं क्रेजिंग, और ये क्यों होता है, ये हो सकता है ड्यू टू हाई वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि पानी की आपने वहाँ पे बढ़ा दिया है तो उसके कारण पॉसिबिलिटीज है श्रिंकेज या स्वेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्रेजिंग हो सकती है, मतलब कि क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। या फिर थिक सीमेंट पेस्ट, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रेजिंग, तो मैं आपको कॉजेज बता रहा हूँ, थिक सीमेंट पेस्ट के कारण आपका डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो सकता है। और जो इसके रीजन है, इनसफिशियंट क्यूरिंग। तो ये कुछ रीजन्स हैं डिफेक्ट्स ऑफ क्रेजिंग ऑफ कंक्रीट के। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, हमारे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट।
और सेपरेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड द कोर्स एग्रीगेट क्यों होता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड सेग्रीगेशन, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट इज मेनली ड्यू टू द इम्प्रॉपर मिक्सिंग और इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट्स, और या फिर आपको हायर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज बिंग गिवन टू द कंक्रीट सैंपल, उस कारण भी सेग्रीगेशन हो सकता है, या फिर पुअर ग्रेडेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब कि आपका जो कंक्रीट में जो ग्रेडेशन थे वो पुअर थे, मतलब कि उसमें हर एक पार्टिकल साइज अवेलेबल नहीं था, उसके कारण भी आपका सेग्रीगेशन हो सकता है। इफ यू फॉल फ्रॉम अ कंक्रीट ग्रेटर देन 1.5 मीटर हाइट देन ऑल्सो कंक्रीट में सेग्रीगेट, मतलब कंक्रीट के फाइन पार्टिकल और कोर्स पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे यदि आप उसकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा को फॉल करते हो, एक ये रीजन है। और जो है आप यदि कंसिडर करो, यदि कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हो तो यू हैव टू कैरी कंक्रीट टू लार्जर डिस्टेंसेस, उस केस में भी आपका सेग्रीगेशन हो सकता है। तो ये कुछ रीजन है सेग्रीगेशन के, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, व्हाट कॉजेस सेग्रीगेशन। थर्ड जो पॉइंट हमारा वो है ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, ब्लीडिंग से मतलब ये है यदि ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन मैन की बात करें तो उसमें ब्लीडिंग होता है खून आना, तो कंक्रीट में खून तो होता नहीं है, तो कोई लिक्विड होगा जो आएगा बाहर, तो वो है हमारे पास वॉटर। व्हेन द वॉटर सेपरेट्स फ्रॉम द एग्रीगेट, जब पानी सेपरेट हो जाता है एग्रीगेट से, उस केस में हम जो जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग बेसिकली क्यों होता है, सेग्रीगेशन के जितने भी रीजन है ऑलमोस्ट ब्लीडिंग में भी वैलिड होते हैं, पुअर मिक्सिंग या फिर पुअर ग्रेडेशन, ग्रेड पुअर है एग्रीगेट्स का, वो यूज करोगे तो क्या होगा, आपका सेपरेशन ऑफ वाटर या सेपरेशन ऑफ सीमेंट स्लरी आपको मिलेगा। इस केस में क्या होगा, व्हाट आर द डिफेक्ट्स और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ब्लीडिंग, जैसे ही आपका ब्लीडिंग होगी उस केस में जो पोर्स होंगे, जब ड्राई हो जाएगा सैंपल पोर्स बन जाएंगे कंक्रीट स्पेसिमेन के अंदर, जो कि एक्चुअली स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे कंक्रीट के। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पोर्स है या ब्लीडिंग है वो कंक्रीट के अंदर ना हो, और जो डिफेक्ट्स है कंक्रीट के, और जो डिफेक्ट्स यदि मैं बताऊँ आपको, इट इज मे पॉसिबल ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन, यदि कंक्रीट के अंदर आप ओवर वाइब्रेशन करते हो फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पैक्शन, जैसे हम यूज करते हैं नीडल वाइब्रेटर, एक्सटर्नल फॉर्मवर्क वाइब्रेटर, तो ये कंसिडर ये जो पॉइंट्स है वाइब्रेशंस के, वहाँ पर यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं कि ब्लीडिंग ना हो, जब आप वाइब्रेशन करते हो तो ब्लीडिंग ना हो, ये ध्यान रखना होता है। तो एक्सेसिव वाइब्रेशन के कारण होता है, क्वेश्चन जो पूछा गया है जनरली पूछा गया है कि ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ कॉम्पैक्टर ब्लीडिंग अकर्स, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, एक्सेसिव वाइब्रेशन के कारण होता है, नॉट जस्ट ड्यू टू वाइब्रेशन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ब्लीडिंग से। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट डिफेक्ट्स की, एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखेंगे इससे पहले मतलब बता दो, एफ्लोरोसेंस होता है ड्यू टू सोल्यूबल सॉल्ट्स, सोल्यूबल सॉल्ट्स इन द कंक्रीट, कुछ सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं जो आपको अर्थवर्क अर्थ में ही मिलते हैं, एग्रीगेट के साथ ही मिलते हैं, यदि आप उसका यूज करके आप अपनी कंक्रीट प्रिपेयर करते हो, दैट विल कॉज अ एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस होता है व्हाइट फ्लफी प्रेसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट अपॉन ड्राइंग, ये ड्राई कंडीशन में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट कंक्रीट के ऊपर मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है इन वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन, तो आपको ध्यान रखना है अपॉन ड्राई कंडीशन, अपॉन ड्राइंग यू विल गेट अ व्हाइट फ्लफी प्रेसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट, उसको बोलते हैं एफ्लोरोसेंस। और एफ्लोरोसेंस कंक्रीट में आपका परमिसेबल नहीं होता, मतलब वी डू नॉट वॉन्ट एनी एफ्लोरोसेंस, ऑल्दो वी डू नॉट वॉन्ट एनी दिस थिंग, लेकिन एफ्लोरोसेंस आपकी मिनिमम 10% से लेस होनी चाहिए, मतलब टोटल एरिया दैट मे बी कवर्ड बाय एफ्लोरोसेंस शुड बी लेस देन 10%, तो आपको ये ध्यान रखना कि एफ्लोरोसेंस शुड बी लेस देन 10%।
So these are some of the facts of concrete and the questions that are being asked from this part. Now we will move to the physical properties of concrete. What are the various physical properties of concrete? But उसमें जो question है वो mainly RCC में cover हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ questions देखेंगे जो यहाँ पर हमने cover करने हैं, जैसे कि आपका modulus of elasticity of steel, modulus of elasticity of concrete, sorry, modulus of elasticity of concrete. इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, इफ वेदर दिस ई इज सेकेंड मॉड्यूलस, दिस ई इज एक्चुअली सेकेंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा दिस ई इज टेंजेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और सेकेंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और ई इज प्रोपोर्शनल टू रूट एफ सी के, वेदर ई इज प्रोपोर्शनल टू रूट एफ सी के और प्रोपोर्शनल टू एफ सी के. सो वी ऑलरेडी नो जो ई का फॉर्मूला है डेट इज इक्वल टू 5000 टाइम्स रूट एफ सी के. तो आपको ये दो स्टेटमेंट याद रखनी है, ई शुड ई इज इक्वल टू सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ई इज प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ अवर करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछा गया है. फिर करीब से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, वट इज द What factors affect the creep of concrete? तो creep के लिए हम RCC में बहुत definitely देखेंगे कि इन creep पे क्या होता है और creep क्यों होता है, किस reason से ये increase होता है. अब बात करते हैं हम अपने NDT से non-destructive testing से, जिससे भी काफी questions पूछे जाते हैं, mainly from the ultrasonic pulse velocity test, जिसे हम UPV भी बोलते हैं. So Let is our NDT, non-destructive test. Non-destructive test का मतलब क्या है? Concrete specimen है आपके पास, आपने concrete को use कर रखा है in the any construction और आप उसकी strength को check करना चाहते हो after some certain life. से 2 years फिर 3 years के बाद आप उसकी स्ट्रेंथ चेक करोगे. तो उसके लिए यदि आपके पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो रिलेट कर दे व्हाट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देन दैट इज बेनिफिट फॉर अस. सो सिंपल रीजन है एनडीटी करने का, और इसी के हेल्प से हम इनडायरेक्टली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बता पाते हैं, या फिर उसकी लाइफ स्पैन फर्दर कितनी होगी वो हम बता पाते हैं. तो फर्स्ट जो टेस्ट है इसके अंदर वो है मैच्योरिटी टेस्ट. मैच्योरिटी टेस्ट क्या है? बेसिकली हम मैच्योरिटी निकालते हैं कंक्रीट के बाय समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर. तो ये क्या बताता है आपको? हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो डिपेंड करेगी एट द टाइम एंड द टेम्परेचर एट विच दिस कंक्रीट इज बीइंग फॉर्मड. तो ये इनिशियल स्टेज में जब फ्रेश कंक्रीट होता है तो उस स्टेज में आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपके एज और टाइम ऑफ कंक्रीट के ऊपर और उसके टेम्परेचर के ऊपर. यदि आप सीमेंट या सीमेंट स्पेसिमैन की बात करो तो सीमेंट स्पेसिमैन का हाइड्रेशन सीज हो जाता है एट 11 डिग्री सेल्सियस. सो वी हैव टू व्हेन वी कैलकुलेट द टाइम इनटू टेम्परेचर दैट इज डिग्री टाइम्स डेज, you have to consider the difference of or you have to consider the 11 degree, you have to consider that your temperature at which hydration ceases is 11 degree. So you have actually take delta T equals to T minus minus 11 degree, and maturity is given by summation of delta T into time. That is temperature degree Celsius into days. So ये था हमारा पहला टेस्ट. सेकेंड टेस्ट जो है इसमें सेकेंड टेस्ट की बात करें तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट. यदि मैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट की बात करूं, इसमें अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है? ये आपके पास एक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, मतलब जैसे नेम भी सजेस्ट कर रहा है जो पल्स है या जो वेव्स है साउंड वेव की हेल्प से आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हो. मतलब यू विल यूज द साउंड वेव एंड मेक इट बाउंस ऑन द योर कंक्रीट स्पेसिमेन एंड देन यू टेल अस
then you tell about the certain characteristics of concrete. For example, if you have bounce, how पहले तो ये देखो ये UPV test with the help of हम sonometer instrument से करते हैं. किसकी instrument से? Sonometer. ये question पूछा गया है किस instrument से करते हैं? Sonometer instrument से ये carry out किया जाता है. यदि अब हम साउंड वेव्स की हेल्प से यदि अब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आप अप्लाई करते हो तो उसमें यदि वेलोसिटी इफ वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर केस कम्स आउट टू बी 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड देन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सीलेंट. मतलब क्या हुआ, हमने एक डिफाइन कर दिया है कि स्ट्रक्चर कब अच्छा है और कब खराब है. तो इस केस में स्ट्रक्चर क्या है, एक्सीलेंट है. एक्सीलेंट एक्सीलेंट बट इफ वेलोसिटी इज बिटवीन 3.5 टू 4.5 देन वी कैन से स्ट्रक्चर इज गुड. दैट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गुड. स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गुड इफ बिटवीन 3 टू 3.5 वी कॉल्ड इट मीडियम एंड लेस देन 3 दिस इज कॉल्ड एज डाउटफुल. डाउटफुल डाउटफुल. तो ये हम इसकी हेल्प से हम बता पाएंगे कंक्रीट हमारे पास किस कंडीशन में है. तो बेसिकली ये क्या करता है, सोनोमीटर टेस्ट. साउंड वेव्स आपकी यदि कंक्रीट के अंदर यदि आपका वॉइड्स है, एयर वॉइड्स है, तो वैक्यूम होगा तो उसमें आपकी क्या होगी, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर वॉइड्स है, ये कंक्रीट डेंस नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसकी लाइफ कंप्लीट हो गई है. तो वेलोसिटी कैसे रिलेट करती है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ रूट ई बाई रो. जो ये यूपीवी टेस्ट है, जो सोनोमीटर टेस्ट बोल लो, तो वेलोसिटी आपका फंक्शन जो होती है वो आपका डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दिस इज योर डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करती है. दिस इज योर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. डेंसिटी ऑफ कंक्रीट तो आपकी इन दोनों चीज के ऊपर वेलोसिटी अल्टरनेटिवली डिपेंड करती है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. सेकेंडली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो वेलोसिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीवी टेस्ट हम बेसिकली कहाँ नहीं करते, वी डू नॉट डू यूपीवी टेस्ट इन केस ऑफ वेट कंक्रीट. दैट इज इन केस ऑफ वेट कंक्रीट. ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है. In case of wet concrete, we do not do this test. Wet concrete के केस में UPV test हम carry out नहीं करते. ठीक है, तो ये कुछ points थे जो इससे UPV test से पूछे जाते हैं. अब third जो test है, जैसे rebound hammer test होता है, तो rebound hammer test कैसे, या फिर Schmidt hammer test भी बोलते हैं इसको, rebound hammer, या फिर यदि मैं यहाँ लिखूँ, this is Schmidt hammer test. स्मिट हैमर टेस्ट. तो इस केस में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या होता है कि आप कंक्रीट स्पेसिमैन हैं, तो एक कंक्रीट आप प्री डिफाइंड एक स्पेस चूज करते हो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो कि 10 दिन मतलब एक साल बाद, दो साल बाद जब आप इसकी दोबारा स्ट्रेंथ चेक करोगे, तो एक सैंपल एक स्पेस चूज करते हो. आप वहीं पर क्या करते हो, आप अपना हैमर यूज करते हो जिसके अच्छे आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हो. ये आपका होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट. लेकिन इसमें आप इंटरनल सरफेस जो कंक्रीट का इंटरनल जो उसकी स्पेस है उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते. यू कैन टॉक अबाउट ओनली इट्स एक्सटर्नल सरफेस एंड स्ट्रेंथ रिलेटेड टू एक्सटर्नल सरफेस. सो इट इज यूजफुल फॉर स्मॉलर सेक्शंस ऑफ कंक्रीट से अप टू 150 mm. सो वी डू नॉट यूज दिस टेस्ट स्मिथ हैमर टेस्ट फॉर हैविंग थिकनेस ग्रेटर देन 150 mm. तो ये एक पॉइंट है जो आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में. तो ये था हमारा थर्ड टेस्ट. वैसे दो टेस्ट और होते हैं हमारे पास, दैट इज पुल आउट टेस्ट एंड द पुल आउट टेस्ट, और एक और होता है आपके पास जनरली उनसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, पेनिट्रेशन टेस्ट होता है. पुल आउट टेस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट वो कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपको इतना काफी है. तो अगला टॉपिक देखते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट. रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट. रियोलॉजी क्या होता है, वी नो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़े हैं
सिक्स टाइप ऑफ फ्लो वी यूजली रीड इन द फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही। तो रियोलॉजी क्या है? रियोलॉजी एक टाइप ऑफ फ्लूइड है और जो कंक्रीट है वो रियोलॉजी बिहेवियर फॉलो करता है। तो रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट एक्चुअली डिटेल्स द फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। ये बताता है फ्लो के बारे में। फ्लो के बारे में मतलब आपको ये बताएगा उसकी डिफॉर्मेशन के बारे में, फ्लो के बारे में बताएगा सिमिलरली और डिफॉर्मेशन के बारे में बताएगा। तो ये हार्डनेस के बारे में, कंक्रीट की हार्डनेस के बारे में बताता है आपको और उसको और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ये ऐसे समझिए आप, ये ऐसे समझिए आप, डिफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ एंड फ्लो इज रिलेटेड टू हार्डनेस। तो जब आप रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट पढ़ते हैं तो ये दोनों चीज पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन एंड द फ्लो ऑफ कंक्रीट। तो आप इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ और हार्डनेस के बारे में भी पढ़ते हैं। और आपको याद रखना है जो शेयर स्ट्रेस है इन केस ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। आपको ऑप्शन गिवन रहेंगे शेयर स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट विद द शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो आपको याद रखना है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। और रियोलॉजिकल फ्लूड है तो मतलब ये क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है। तो ये क्वेश्चन पूछा रहेगा वेदर इट इज ए न्यूटोनियन फ्लूड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। तो ये आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो रियोलॉजी से आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट। अब बात करते हैं हम एडमिक्सचर ऑफ कंक्रीट। फर्स्ट थिंग, एडमिक्सचर्स जो है वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं करते। यदि आपसे कोई कहे दैट द एडमिक्सचर्स यूज इन द कंक्रीट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, हम देखेंगे कैसे। सेकेंड थिंग, एडमिक्सचर्स जो है दीज आर नॉट द असेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट। ये जैसे हमारे पास एग्रीगेट्स है ऐसे ही एडमिक्सचर का जो रोल है वो ऐसा नहीं है जो हमारे पास एग्रीगेट का है। सो ये असेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एडमिक्सचर्स की। एडमिक्सचर्स यूज क्यों करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाई वी यूज एडमिक्सचर्स। आपको स्टेटमेंट्स गिवन रहेंगे जिसके हिसाब से आपको बताना होगा। वेल, एडमिक्सचर्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एडमिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि लिग्नोसल्फोनेट या फिर सल्फोनेटेड मेलानिन फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर आपके पास एल्यूमिनियम पाउडर्स, एल्यूमिनियम सल्फेट, या फिर डिफरेंट एयर इंट्रेनर्स जो होते हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं एडमिक्सचर्स के अंदर। तो एडमिक्सचर का मेन फंक्शन क्या है कि उनको, जैसे आपका कंक्रीट में डिफेक्ट होता है सेग्रीगेशन, तो उसको रिमूव करना, या फिर ब्लीडिंग को रिमूव करना, या फिर वाटर को रिड्यूस करना कंक्रीट के अंदर फॉर द कॉन्स्टेंट सीमेंट कंटेंट। मतलब कि आपने वाटर को रिड्यूस कर दिया एडमिक्सचर को डाल के, आपकी वर्केबिलिटी भी इफेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फॉर ए कॉन्स्टेंट सीमेंट कंटेंट आपने जो एडमिक्सचर्स यूज किया है वो वर्केबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये भी इसके लिए भी यूज होता है। तो रिड्यूस द सेटिंग टाइम के लिए भी यूज होता है। कुछ रिटार्डर्स होते हैं, कुछ एक्सीलरेटर्स होते हैं, तो दोनों ही पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन की बात करें तो जैसे सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं हमारे पास, या फिर प्लास्टिसाइजर्स, देखिए पहले प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, दीज आर दी वॉटर रिड्यूसर। ये क्या होते हैं? वॉटर रिड्यूसर। तो यदि इसका आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछे एडमिक्सचर का तो वो होता है कैल्शियम सल्फोनेटेड। इसका फॉर्मूला जो होगा कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट। तो ये फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको यदि वाटर रिड्यूसर है तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो प्लास्टिसाइजर क्या करता है? वाटर को रिड्यूस करेगा,
वाटर को रिड्यूस करेगा तो इनडायरेक्टली ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। वाटर रिड्यूसर है तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा कंक्रीट की, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा कंक्रीट की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है वेदर इफ वी, यदि हम ऐसे बोलें कि एडमिक्सचर्स जो है यदि वाटर को रिड्यूस करते हैं तो ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन यदि डायरेक्टली बोले एडमिक्सचर्स स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये याद रखना है। यदि आप सुपर प्लास्टिसाइजर की और बात करें, यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर तो उसमें भी एक केमिकल नेम आपको याद रखना है, केमिकल नेम आपको याद रखना है वो है आपका केमिकल नेम आपका सल्फोनेटेड मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोनेटेड मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये केमिकल नेम है इसका, मेलानिन से याद रखो इसको। मेलानिन आपकी स्किन के लिए, स्किन जो स्किन आपकी उसके अंदर होता है जिसके कारण हमारे ब्लैक कलर मिलता है, इसकी डेफिशिएंसी से कैंसर भी होता है वो अलग बात है। तो आप लिंक करके याद करो, मेलानिन से आप याद रखो आपका सुपर प्लास्टिसाइजर केमिकल यूज होता है। तो थर्ड, अब थर्ड टाइप या सेकेंड टाइप ऑफ एडमिक्सचर की बात करें, सेकेंड टाइप ऑफ एडमिक्सचर की बात करें हम, तो हमारे पास होते हैं रिटार्डर्स, हमारे पास होते हैं रिटार्डर्स। जैसे रिटार्डर्स में आपके पास सबसे पहले क्या है, रिटार्डर्स का काम क्या होता है, बेसिकली जो कंक्रीट है उसका जो सेटिंग टाइम है वो ये इंक्रीज कर देते हैं। सो रिटार्डर्स इंक्रीज द सेटिंग टाइम्स ऑफ कंक्रीट, बट आर द फंक्शन ऑफ रिटार्डर्स, दे इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, इंक्रीज सेटिंग टाइम कैसे करेंगे, कौन सा केमिकल या कौन सा कंस्टिट्यूएंट यूज करते हैं, इसके लिए आप शुगर यूज कर सकते हैं या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, रिटार्डर के लिए आप टार्ट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो कोला जिसे बोलते हो, कोला के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, तो वो आप यदि डाल दोगे कंक्रीट के अंदर, उससे जो है सेटिंग टाइम जो होगा कंक्रीट का वो बढ़ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास रिटार्डर। सिमिलरली एसिलरेटर्स होते हैं हमारे पास, एसिलरेटर्स जो क्या करेंगे, सेटिंग टाइम को डिक्रीज करेंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा एडमिक्सचर है जो आपका सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। तो ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड से, कि वो सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, साथ ही साथ वो श्रिंकेज को भी इंक्रीज करता है, साथ के साथ श्रिंकेज को भी इंक्रीज करता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन में पूछे कैल्शियम क्लोराइड इंक्रीज सेटिंग टाइम डिक्रीज श्रिंकेज और इंक्रीज श्रिंकेज, तो आपको वहां से सॉल्व करना है और अटेम्प्ट करना है डेट कैल्शियम क्लोराइड डिक्रीज सेटिंग टाइम एंड इट एक्चुअली इंक्रीज श्रिंकेज। सो ये था हमारा थर्ड टाइप। अब फोर्थ टाइप की बात करते हैं, डेट आर एयर इंट्रेनर्स, वी हैव सम एयर इंट्रेनर्स ऑल्सो, एयर इंट्रेनर्स। इनका काम क्या होता है, ये भी आपकी एडमिक्सचर्स हैं। यदि इसका केमिकल नेम बात करें एयर इंट्रेनर्स का, यदि आप केमिकल नेम बात करें तो ये एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो एक एयर इंट्रेनर है, एल्यूमिनियम पाउडर एयर इंट्रेनर है। मतलब क्या होता है, आप कंक्रीट के अंदर एज द नेम सजेस्ट एयर, आप कुछ ऐसे केमिकल डालोगे जिसके कारण एयर बबल फॉर्म होंगे, जिसके कारण पार्टिकल डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल होगा, मतलब कि जो कंक्रीट स्पेसिमेन है उनकी वर्केबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी इनडायरेक्टली। तो उस केस में आप क्या करते हो, एयर इंटेनर एडमिक्सचर्स यूज करते हो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयर इंटेनर आपकी फर्स्ट थिंग वर्केबिलिटी तो इम्प्रूव करते हैं, लेकिन दे रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ये क्या करते हैं डेंसिटी ऑफ कंक्रीट को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसेस डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ये आपका क्रीप को भी इंक्रीज कर देते हैं, क्रीप जो होता है उसको भी ये इंक्रीज कर देते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस है इसकी, ये कुछ लिमिटेशंस है, अल्दो ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ा देता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, लेकिन ये डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कम करता है और क्रीप को भी इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील को भी ये डिक्रीज करता है, डेट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को भी ये डिक्रीज करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब आपसे पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एयर कंटेनर किस एटमोसफेयर में आप यूज करोगे, जैसे कि कोल्ड एटमोसफेयर में यूज कर सकते हो, या फिर वार्म एटमोसफेयर में, या हाई टेम्परेचर रेंज में यूज करोगे, या अंडर मरीन कंस्ट्रक्शन यूज करोगे। तो आपको याद रखना है एयर कंटेनर यूज करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में ये यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके पास वर्केबिलिटी आपके पास इनहेरेंट होती है, तो कोल्ड क्लाइमेट में भी ये अच्छा रिजल्ट शो करता है। और एयर कंटेनर की एक ये एक क्वालिटी है टू यूज इट इन द कोल्ड क्लाइमेट। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, जो एयर कंटेनर का बेनिफिट है, जो एक एयर कंटेनर का बेनिफिट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं कंक्रीट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आईएएस में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो लेकिन वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हैं। तो आप यदि वो क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके V+U Academy उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द आईएएस एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।